सारी जो प्रणाली यहाँ पे आए राइट, और जब वो हमारे यहाँ पे आ गया उसने देखा वेस्टी, कह रहा यार तुमने ये कर दिया। तो आया तो मैंने कहा जी आप क्या कर रहे हो, उसने बताया जी मैं ये कंपनी कर रहा हूँ, मैं नाम ले लूंगा। तो उसने कहा कि जी मैं 11 साल से कर रहा हूँ। तो हमारा जो लीडर था वो कह रहा था सुपारी साहब आप उसको इंजेक्शन दो। सोच और जो विचार है उसको अगर आप गलत कहोगे तो वो आपके अगेंस्ट नेगेटिव हो जाएंगे और अपनी डिफेंस बिल्ड कर लेंगे। सो हमारा पर्पस लोगों को क्लोज करना नहीं होता, हमारा पर्पस होता है लोगों को हम ओपन कैसे करें। क्योंकि मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों में रुचि लोगे तभी लोग आपके बिजनेस में रुचि लेंगे। तो पहले आपको उनके साथ वार्म अप करके अपना रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। अब मेरे लिए तो प्रॉब्लम फंसी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कह रहा है इंजेक्शन लगाओ, और मेरा 24 साल का तजुर्बा जो नेटवर्क मार्केटिंग में है तो उसमें अगर मैंने इमीडिएटली कहना शुरू कर दिया कि आपकी कंपनी खराब है, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, ये है, मैंने कहा ये तो कभी नहीं आएगा। तो मेरा पहला उससे ये सवाल था कि सर आपका कोई विचार है कुछ बदलाव करने का और किसी कंपनी में वेस्टीज की तरफ, कहता बिल्कुल नहीं। मैंने कहा थैंक यू सो मच, और जो आपका ये सोच है कि जो आपकी लॉयल्टी आपकी कंपनी के प्रति है मैं उसका सम्मान करता हूं। yes. मैं आपको ये एजुकेशन भी दे रहा हूं, कहानी भी सुना रहा हूं राइट। तो मैंने उससे कहा कि और आप क्या करते हैं, आप कैसे इस बिजनेस में आए। उसने कहा जी कमला नगर में मेरी शॉप थी, मैं और मेरा भाई हम दोनों उस कपड़े की शॉप को करते थे, हम वैसे यूपी से हैं। तो जी सीलिंग में हमारी जो दुकान बंद हो गई तो उसके बाद बहुत मुश्किल रही, हमने 1.5 साल बड़ी मुश्किल से काटा। तो मेरे भाई ने इस कंपनी को किया और मेरे को भी उसमें मैंने ज्वाइन किया। बाद में कहता 18 महीने मेरे को बिल्कुल कोई विश्वास नहीं इस कंपनी के बारे में जिसमें वो कर रहा था कि प्रोडक्ट महंगे हैं, ये है, कौन लेगा, कैसे बेचा जाएगा। कहता 18 महीनों के बाद जब मेरी वाइफ ने प्रोडक्ट लिए उसको कुछ फर्क पड़ा तो मेरा विश्वास इस सिस्टम के प्रति बढ़ा। मैं उसकी जो कहानी सुना रहा हूँ ये सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश करना कि मैं नहीं बोल रहा, अब बोल कौन रहा है ठीक। तो जी मेरी वाइफ तो ठीक हुई तो मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। मैं 4 या 5 बारी यूएसपी जा चुका हूँ, फिर वो साउथ अफ्रीका एक बारी गया था, वहां पे उसके साथ क्या हुआ, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ है, उसके 2 बेटे हैं, एक 14 साल का है, एक शायद 19 साल का है। मैंने उसको बिल्कुल वेस्टीज के बारे में एक बात इस टाइम पे दी। मैंने कहा अच्छा आप अमेरिका भी गए हैं, साउथ अफ्रीका भी गए हैं, अच्छा साउथ अफ्रीका भी हमारा ट्रिप बुक के आया है, हम वहां पे लॉन्च करने लगे। मुझे क्या किया अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। यस तो उसके बाद उसके साथ बातें करते रहे, ये वो कहां कहां कैसे है, लीडरशिप का क्या बिजनेस होता है। मैंने कहना शुरू कर दिया कि हमारा बिजनेस ना तो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, ना हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है, हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है, यानी कि बिजनेस ऑफ लीडरशिप। कि आप अपने आप को जितना बेहतर बनाओगे तभी आपसे लोग आएंगे। तो जो मेरी ट्रेनिंग में बात होती है मैंने उसको ये भी बताना शुरू कर दिया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है। उसके बताने का तरीका क्या था, मैंने कहा एक ट्रेनिंग है जो मैं करता हूँ, आप भी ट्रेनिंग करते हैं। मैंने कहा मैं ट्रेनिंग करता हूँ और आपको एक बात बताऊं कि इस दुनिया का सबसे नेक काम जो है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। आज के दिन में कितने लोगों को रोजगार दे रही है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने कहा बिल्कुल आप लोगों की बात करते हैं, मैंने कहा हमारे यहाँ पे मोहम्मद मोइन जी हैं राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकते पर तब भी महीने में लगभग 6 लाख से ऊपर कमा रहे हैं राइट। अब क्या था, जो आदमी हमें सुनने के लिए तैयार नहीं था ठीक, जिसने आते ही कहा कि मैं कोई बदलाव नहीं चाहता, उसके अंदर मैं क्या कर रहा था, कहानियां बोल रहा था वेस्टीज की सफलता के बारे में। मैंने कहा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी हमारा एक यूसीडी मीट हुआ तो मोहम्मद मोइन जी हमारे पास बैठे थे, वहां पे हमने हर एक को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा एक सर्वे के लिए। तो हमने कहा उसे खोल के आप पढ़ो, उसको भरो,
कहते मैंने कहा मोहम्मद मोइन जी मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास तो मेरे जीमेल का पासवर्ड नहीं है। मैंने कहा किसके पास है? कहते जी मेरे ड्राइवर ने बनाया था, वो ड्राइवर नौकरी छोड़ गया। मैंने कहा क्या मतलब ड्राइवर ने बनाया? कहता सर मैं पढ़े लिखे लोग जो है अपना ड्राइवर रखता हूँ ताकि मेरे ईमेल और सारे के सारे ये मैसेजेस पढ़ सके। तो ये सफलता का आलम आज के दिन पे हमारे इस परिवार में हो चुका है कि अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों को अपना ड्राइवर बनाते हैं ताकि वो जो है उनके लिए काम कर सके। ठीक, वही लोग जो बैठे थे उन्होंने कहा कि जी अभी हमने पीछे गाजियाबाद में एक मेट्रो स्टेशन के पास हमारी टीम में जो था ये फीलिंग आ रही थी कि जी लोग नहीं मिलते हम कैसे किसको स्पॉन्सर करें। तो लीडर ने कहा मैंने क्या किया, मैं 16 अपने लोग लेके चला गया और अपनी डिस्ट्रीब्यूटर जो लेडी थी उसमें सामने एक ऑफिस था वहां पे उसको बैठा दिया और वहां पे जो जो लोग हमें मिले हमने उनको कहा कि आप अंदर जाइए। लोगों के बिजनेस करने के अलग अलग तरीके, बहुत इंप्रेस हुआ। कहता हमने क्या किया, हर आदमी ने 800 रुपए के साबुन खरीदे। हमने कहा जो भी आदमी अंदर जाके अपनी डिटेल्स देगा उसको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। कहता उस दिन हमारे पास 86 लोग आए जिनको हमने 86 साबुन बांटे और उनकी एंटायर डिटेल ले ली और उनको अगले दिन मीटिंग में बुलाया जिसमें से 18 लोग ज्वाइन कर गए। वाओ, ग्रेट। तो ये जब बातें हुई उस लीडर की मैं बात करूंगा जो दूसरी कंपनी से था, उसने कहा कि जी मेरे लिए कुछ आपका एडवाइस, आप इतने साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, इतनी बड़ी कंपनी को रन कर रहे हैं, मैं क्या करूं ताकि मेरी ग्रोथ हमेशा आती रहे। मैंने उनको कहा कि देखो ऐसा है कि हम हर रोज सुबह सो के उठते हैं, राइट, दांत ब्रश करते हैं, नहाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, रात को सोते हैं, अगले दिन सुबह फिर जाते हैं और अगले दिन सुबह वही काम फिर करते हैं जो हमने पिछले दिन में किए थे। और जितनी हमारी उम्र रह चुकी है हमने हर रोज वही काम किया और आने वाले दिन जितने होंगे हम हर रोज वही काम करेंगे पर कभी बोर नहीं होंगे। उनमें से एक भी काम छोड़ेंगे तो हमारी सेहत के ऊपर असर पड़ सकता है। अगर हम लंबी आयु चाहते हैं और स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो हर रोज वो काम करने पड़ेंगे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसकी आयु बढ़े और बढ़े और वो ग्रो करता रहे, हर रोज वही काम करो जो आप जिससे आपको सफलता मिली, राइट। जब सफलता कई बार लोगों को मिलती है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो आगे बढ़ना और मेहनत करना छोड़ देते हैं। मैंने उनसे यही कहा कि उस तरह से काम करो हर रोज जैसे आपका पहला दिन हो नेटवर्क मार्केट। हर रोज वही काम करोगे जो सिस्टम कहता है, हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति सफल हो। उनका एक और चैलेंज था कि जी ऐसा है कि लोग आते हैं, मर जाते हैं, फिर नए लाने पड़ते हैं, कब तक चलेगा? मैंने कहा हमेशा चलेगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा दिन में 3 बार ही खाना खाते हो। कहते हाँ। मैंने कहा ज्यादा कर तो वेस्ट हो जाता है, राइट। तो आदमी सोचे यार इतना खाता हूं कितना वेस्ट हो जाता है, तो इतना ही खाओ जितना लगना है। काम तो पूरा करना पड़ेगा, खाना तो पूरा खाना पड़ेगा। मैंने कहा उससे होता क्या कि हम जो थोड़ा सा खाते हैं, जो खाते हैं उसके अंदर से ज्यादा वेस्ट होता है, थोड़ा जो है हमारी बॉडी के अंदर जाता है न्यूट्रिशियस वगैरह, उससे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, हर रोज लाखों बनते हैं और लाखों मरते भी हैं। हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे नाखून डेड सेल्स हैं। अगर हम कहें रोज खाना खाओ लगेगा थोड़ा, जो लगेगा भी उसमें भी सेल्स बन जाएंगे, तो खाना क्यों खाओ। मैंने कहा यही हमारे बिजनेस का नियम है कि लोग आएंगे, आप लोगों की सफलता या बाकी लोगों की सफलता देख के कि भी बहुत बेहतरीन काम है हम आग लगा देंगे, पर उनके अंदर दुनिया में सिर्फ 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो लोग जिनके पास जोश जो है वो सिर्फ 30 घंटे रहता है, वो ज्वाइन करेंगे, वो कहेंगे कि जी हम आग लगा देंगे, देखो ये कर देंगे वो कर देंगे, अगले दिन सुबह फोन करो आज शाम को मीटिंग आओगे, नहीं आ रहा तो पप्पू की चाची की मामी की आ रहा।
यानी कि बहाना रेडी होगा। आप कहने यार उसका प्रोफाइल इतना अच्छा था, आदमी इतना बढ़िया था, अंग्रेजी फराटेदार बोलता था, उसके कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे थे, पता नहीं डेविड क्यों हो गया। हकीकत में यही है, ज्यादातर लोगों की जो हवा है ना गुब्बारे में से, आप में से बहुत लोग होंगे जिनको पता है एक चीज की सैर करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। Yes. आप में से कितने लोग जाते हैं? सारे नहीं जाते। मैडम दुनिया भरी हुई है उन लोगों से जिन्होंने नए नए जूते खरीदे, कल सुबह सैर पे जाएंगे। जी इंडिया की नंबर वन लार्जेस्ट कंपनी। यस हमेशा रहेंगे। यस चैलेंजेस बहुत आएंगे, आपको भी आज के दिन पे मार्केट में चैलेंज मिल रहे होंगे। यस छोटी मोटी कंपनी आती रहती हैं। मैं 1996 से नेटवर्क मार्केट, ठीक है, यानी कि 24 साल हो गए हिंदुस्तान और विदेश में, और हिंदुस्तान के अंदर हमने इतनी कंपनियां देखी हैं, कभी बकरी का प्लान आया, मोटरसाइकिल का आया, कभी क्रिप्टो करेंसी आई, कभी फ्यूचर मेकर आई, कभी फेसबुक पे क्लिक मारते रहो तब पैसे मिलेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी बहुत आई, आपने देखा होगा एक कंपनी 4 साल काफी अच्छी चली थी जिसका नाम था आरएमसीएफ, राइट? चुनौती दी थी ना हमें, और आज के दिन पे कहा उरनचू हो गया। सर कंपनी खोलना बहुत आसान है पर कंपनी को चलाना बहुत। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा जो कंपनी को बनाने के लिए जो सोच होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट की बैंडविड्थ होनी चाहिए, वो आज के दिन पे इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं है एक्सेप्ट होने से। ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेशनली बहुत केपेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हमारा, राइट? कल अभी हमने गुवाहाटी के अंदर नया स्टोर ओपन किया है विच इज अ प्लैटिनम स्टोर, हमने बीबीसी का, और नया वेस्टीज को ऑफिस भी बनाया है। जो वेस्टीज ने एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो क्रिएट किया है, अगर और कोई कंपनी करना चाहेगी उसको कम से कम 7 से लेकर 8 साल लगेंगे, और 7 से लेकर 8 साल में हम कहां से कहां हैं। यस और थैंक यू सो मच, आप लोगों का जो फेथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। मैं थोड़ा सा, आप में से काफी नए लोग हैं तो इस परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है गौतम लाली, yeah!
उम्र बताता नहीं हूँ, अगर किसी को पता भी है तो खबरदार बताइए। वो मजाक की बात है। मार्च के महीने के अंदर मैं 58 इयर्स का हो रहा हूँ। सर पूछ रहे कितने मार्क्स को बर्थडे मनाने के लिए। मेरे पास अपना वोटर आईडी कार्ड राइट उस साल में लेके चलिए। तो मजाक की बात थी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी